हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी बच्चों के लिए एक टेंशन का पॉइंट बना हुआ है, दैट इज़ शुड आई ड्रॉप फॉर नीट और नॉट। तो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉज द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो स्टार्टिंग, तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, एक होते हैं फ्रेशर्स एंड दूसरे होते हैं ड्रॉपर्स। फ्रेशर्स वो स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th में अभी हैं एंड कहीं ना कहीं उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया अपना कि वो 11th 12th कॉन्सेप्ट्स और कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान देंगे एंड इन ड्रॉप ईयर वो नीट की क्लियर करने पर फोकस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक मूर्खता है, क्योंकि अगर अभी तक एग्ज़ाम आपकी हुई नहीं है तो हाउ कैन यू डिसाइड कि आप नीट क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो आपके हाथ में जो है वो है कि आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाओ एंड लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन ना कि नीट अगर आपको ड्रॉप का ऑप्शन ही ना देता तो आप पहले अटेम्प्ट में अपना पूरी जोर लगाते ना, सो वाई नॉट अभी। तो इसलिए अपना ये सब चीज़ें छोड़ के अपना पूरे एफर्ट्स लगाओ एंड रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करना कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ ड्रॉपर्स। एंड ये वो लोग हैं जो अभी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं एंड स्टिल इन अ डिलेमा कि ड्रॉप ले या ना ले। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यू नीड टू कंसिडर सम फैक्टर्स, और उसमें सबसे पहला होगा कि यू नीड टू आइडेंटिफाई वॉट वर द रीजन्स ऑफ योर फेलियर जिनके कारण आप पहले अटेम्प्ट में अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। सो इसे ढूंढने के लिए बेसिकली वॉट यू नीड टू डू इज़ कि आप नीट का पेपर लो एंड जो पहले आपने नीट की एग्ज़ाम के पहले जो मॉक पेपर दिए थे उन वो ऐसे 4-5 पेपर लो एंड उन्हें रिगरसली एनालाइज करो एंड फाइंड आउट कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपने गलती करी थी और कौन से टॉपिक्स आपके वीक थे। एंड ये सब करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप एक बंद कमरे में जाओ, आँखें बंद करके अपने 2 साल की पूरी जर्नी को रिवाइंड करो, देन उसे प्ले करो एंड देन आइडेंटिफाई कि आपने क्या मक्कारियाँ करी और क्या गलतियाँ करी जिनके कारण आपकी रैंक डैमेज हुई। एंड आप देखोगे कि कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपका लैक ऑफ गाइडेंस हो सकता है या टीचर्स अच्छे नहीं थे, जो कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, बिकॉज एट द एंड 80-90% हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में ही रहता है, टीचर्स का सिर्फ 10-20% ही रोल रहता है। और कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं लाइक फैमिली इशूज़, कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं कुछ बच्चे, इसके कारण भी वो उसे एक फैक्टर कंसिडर करते हैं। बट आई पर्सनली वॉज ऑल्सो इन अ जॉइंट फैमिली और मैंने भी जेई क्लियर करी, सो आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है। एंड इनकन्सिस्टेंसी ऑफ कोर्स, कि कई बार ब्रेक्स ले लेना, बीच बीच में छुट्टियाँ पे चले जाना, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होता है। स्कूल और कोचिंग के बीच में मैनेज ना कर पाना, सो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी रैंक डैमेज करता है। एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि बच्चों के फाइनल रिजल्ट्स को बिगाड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रॉड वे में चीज़ों को लिखने की बजाय थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बोलने स्टेटमेंट देने की बजाय कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता था इसलिए मेरी नीट नहीं हुई, गिव अ मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि मुझे केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता था, ऑर्गेनिक में मुझे कार्बोनाइल नहीं आता था एंड इनऑर्गेनिक में मुझे पी ब्लॉक नहीं आता था, इसके कारण मैं नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। सो दिस इज़ अ स्मार्ट स्टेटमेंट, क्योंकि दोस्तों देखो, तुम्हारे पास 1 साल है एंड इस 1 साल में तुम्हें 11-12 का पूरा रिवाइज करके नीट के लिए अटेम्प्ट देना है। एंड इस समय यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमेटिक कि तुम्हें आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि क्या तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं और तुम उन पर कैसे काम करने वाले। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ रीजंस फॉर ड्रॉप। क्या वो कारण है जिनके कारण आप ड्रॉप लेना चाहते हो? सो अगर ड्रॉप लेने का रीज़न फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर है तो बिल्कुल मत लो। बट अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि हाँ, आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ अनादर चांस, या आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गट फीलिंग, जो कि मेरे केस में एक बहुत बड़ा कारण था फॉर टेकिंग अ ड्रॉप, बिकॉज मेरे टीचर्स एंड मेंटर्स ने कहा था कि तुम एक डिसेंट रैंक पे पहुंच चुके हो और तुम्हें कॉलेज मिल रहा है तो तुम्हें ले लेना चाहिए। बट स्टिल मुझे अंदर से गट फीलिंग थी कि मुझे ड्रॉप लेना है
एंड आई टुक इट, और आप जानते हो कि मेरा कितना मार्जिनली इम्प्रूवमेंट हुआ. सो इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करो कि आप ड्रॉप लेना चाहते हो या नहीं. और नीट में तो जो एग्ज़ाम होती है वही आपको काफ़ी प्रोवोक करती है ड्रॉप लेने के लिए. सी स्टूडेंट्स, ऐसा रहता है कि आप एग्ज़ाम दे के आते हो एंड आप 50-60% पेपर अटेम्प्ट करके आए, देन आपको ऐसा लगता है कि जो बचा हुआ 30-40% था वो पेपर भी था तो NCERT से ही, एंड आप अगले साल इतना पोर्शन और लर्न करके पेपर में अगले साल और बेटर परफॉर्म कर सकते हो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 50% पोर्शन जो भी आपको आता था, आपको उसको भी कई बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो अभी भी आपका उतना ही फॉर्म और वो अभी भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे. सो इस चीज़ को सोचते हुए कि अपना एग्ज़ाम में अब और अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, इससे अपन को ड्रॉप का अपना डिसीजन नहीं लेना. नाउ कंसिडरिंग दीज टू फैक्टर्स, रीजन्स फॉर फेलियर एंड रीजन्स फॉर ड्रॉप, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. ड्रॉप लेने या नहीं लेने में हमें ये याद रखना है कि रीजन्स फॉर, हमने जो भी रीजन्स फॉर फेलियर मेंशन किए हैं, हम उन्हें अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे एक अगले साल में, उन पर कंट्रोल रख पाएंगे कि नहीं. सो नाउ इफ़ योर आंसर इज़ नो, सो नो वरीज, बिकॉज कई सारी दूसरी फील्ड्स हैं जहाँ आप एक्सपांड कर सकते हैं. जैसे आप BSc MSc करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, या फर्दर PhD करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एंड बी फार्मा या BCA भी कर सकते हैं. एंड बी फार्मा में इस बार नई चीज़ आई कि अगर आप मास्टर्स के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर के अंडर किसी तहसील में एलोपैथी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो आई थिंक आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा और दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग. इसके अलावा बायोटेक इंजीनियरिंग, जिसमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप उसमें भी जा सकते हैं. या फिर आप टोटली एक साल ड्रॉप लेके कॉमर्स की पढ़ाई करके आप टोटली अपनी फील्ड बदल के क्लैट या फिर CA की तैयारी भी कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद, यूनानी एंड वेटनरी, ये सारे ऑप्शंस तो हैं ही. और आयुर्वेद में तो हम बालकृष्ण जी एंड बाबा रामदेव को जानती हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी पतंजलि खड़ी कर दी है. सो ये, एंड यू कैन ऑल्सो गो इन पैरामेडिकल फील्ड या बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. सो दीज वर ऑप्शंस अगर आपका आंसर नो है. बट नाउ अगर आपका आंसर येस है तो टाइटन योर सीट बेल्ट, क्योंकि अब आपको एक साल अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल रखना है. फर्स्टली तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको कई तरह के क्रिटिसिज्म झेलने पड़ेंगे. सोसाइटी में लोग आपको बार बार क्वेश्चन करेंगे कि आपने ड्रॉप क्यों लिया, बट यू नीड टू बी फर्म. और ये वही लोग होंगे जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो यही लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे. एंड सेकेंड पॉइंट कम्स कि यू नीड टू कन्विंस योर पेरेंट्स. सो उनके इस चीज़ के लिए उनके साथ बैठो और उन्हें समझाओ कि आज से 10 साल के बाद मेरी एज 33 है, 34 है या 35 है, इससे हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा, बट जिस पोजीशन पे मैं होऊंगा वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालेगी. सो ये मेरा डिसीजन है एंड इस चीज़ के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. तो आई थिंक दे विल श्योरली अंडरस्टैंड और वो आपका साथ ज़रूर देंगे. एंड आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि ये एक इमोशनल रीज़न है जो कि सिर्फ पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए यूज़ करना है. अपन तो डिसाइड पहले ही कर चुके हैं कि हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. हमें हमारा डिसीजन प्रैक्टिकल रीजंस के बेसिस पे लेना है, नॉट इमोशनल वंस. और इसके बाद आपकी आगे की जो साल भर की जर्नी है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट के मार्क्स, मॉक टेस्ट के रिजल्ट कभी फ्लक्चुएट करें, कभी हाई आ जाए कभी लो आ जाए. तो हाई आ जाए तो हमें लूज़ नहीं होना है, अपनी तैयारी को उसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ानी है. एंड अगर लो भी आ जाए तो भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर हमने 2 साल तक किसी चीज़ को बिगाड़ा है तो उसे कुछ समय तो लगेगा ही सुधरने में. एंड नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ बैकअप स्ट्रैटेजी. सो कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कॉलेज में एडमिशन्स ले लेते हैं और उसके साथ साथ वो नीट की प्रिपरेशन करते जाते हैं. बट मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप एज सेकेंड प्रायोरिटी रख के एक अच्छी रैंक से क्लियर कर लो. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपकी फर्स्ट एंड द ओनली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी आप इसमें पूरी सक्सेस अचीव कर पाओगे. एंड अगर आप इसे कॉलेज के साथ या किसी बैकअप प्लान के साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डैमेज होगा. सो दिस वॉज
ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आई होप कि आपको इससे आपके ड्रॉप इतने बड़े डिसीजन के आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा. और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. एंड